Welcome, my dear students. As you know, the schedule is provided for this particular webinar on the biology subject. Myself, Khuddus Tariq, with 10 years of teaching experience in theory as well as in NEET. मुझे जो है जो student का experience रहा है जिसमें मैंने ये पाया है कि जैसे जैसे exam करीब आते हैं वैसे वैसे एग्ज़ाम के नर्वसनेस कुछ स्टूडेंट में पाई जाती हैं. तो नर्वसनेस बड़ों को भी होती है, छोटों को भी होती है. और एग्ज़ाम से करीब आप देखेंगे एक नॉर्मल नर्वसनेस की रिक्वायरमेंट भी होती है, लेकिन अगर ये एक लेवल क्रॉस कर देती है तो जब बहुत मुश्किल हो जाता है. तो नर्वसनेस का कारण यानी कि रीज़न क्या होता है, अगर मैं इस नर्वसनेस को एक टर्म देना चाहूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ एग्ज़ाम फोबिया, है ना, एग्ज़ाम का डर, जिसमें भूख नहीं लग रही है ना, तबीयत ख़राब हो जा रही है. बाज़ लोग तो ये हालत हो जाती है, बाज़ लोग बीमार हो जाते हैं, है ना, मतलब इस इतना टेंशन हो जाता है उनको. तो डोंट यू वरी माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे आपको गाइड करने में बड़ी खुशी होगी. एग्ज़ाम बिल्कुल आसान है, PU बोर्ड ने बिल्कुल आसान कर दिया है आपका एग्ज़ाम पैटर्न. हमें ये भी पता है कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, सारी चीज़ें हमें अच्छी तरीके से पता है. और अगर आप वो प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेंगे. आई होप सो यू विल स्कोर आउट ऑफ मार्क्स. और इस साल तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि इस साल आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 105 के बजाय 140 मार्क्स का होगा. आपको लेने हैं सिर्फ 70 मार्क्स. तो बड़ी खुशी की बात है. पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके एग्ज़ाम में देखे, लेकिन इस साल जो है आप देखेंगे आप पिछले स्टूडेंट से भी ज़्यादा लक्की हैं, क्योंकि प्रीवियस स्टूडेंट कई सारे हैं जिन्होंने बग़ैर एग्ज़ाम दिए ही खुशी की बात कही है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले लिए हैं. आपको उनसे ज़्यादा आपकी किस्मत जागी है, क्योंकि आपको ज़्यादा जो है इसमें मार्क्स मिले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो 140 मार्क्स का होगा. तो चलिए हम शुरू करते हैं. तो आपको उम्मीद रखना है, हिम्मत नहीं हारना है, हम आपके साथ हैं टू गाइड प्रॉपरली. तो किसी शायर ने खूब कहा है कि मुश्किलात जब भी आते हैं ना, हमें कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए आते हैं, है ना. तो तुंदे बादे मुखालिफ से ना घबराए खाप, ये तो चलते हैं तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए. यानी कि मुश्किलात जब भी आते हैं तो इसका एक जो है पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो ये है कि हमें वो और ज़्यादा आगे कामयाब करने के लिए जाता है. तो माई सेल्फ खुद्दुस तारिक, HOD डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी इन विजडम इंस्टीट्यूशन विद द 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बोथ इन थेरी एज वेल एज इन नीट. इट इज़ माई व्हाट्सअप नंबर फॉर क्वारीज. इफ यू वॉन्ट एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर. So it is great honor for me to stand in front of you, to guide you. So I got an opportunity through this virtual webinar to assist you all here by rectifying your doubts, queries and answer your questions, how to pass, how to get distinction and how to bring top result in PU board exam. हाँ, सो आई जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस साल आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि इस साल जो है क्या है, दिस ईयर यू हैव ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्कोर आउट ऑफ इन बायोलॉजी एज वेल एज इन फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री. सो बायोलॉजी, बिकॉज दिस ईयर बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 140 मार्क्स. यानी कि इस साल जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 140 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको कितने लेने हैं, यू हैव टू स्कोर 70 मार्क्स. और इसमें हर क्वेश्चन में क्या होगा, हर पार्ट में क्या होगी, आपको चॉइस मिलेगी. तो जैसा कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम जो बायोलॉजी का होगा वो कौन सी तारीख को होगा, विच डेट को होगा, सेकंड में 2022, जो कब आ रहा है, सोमवार को आ रहा है, यानी कि मंडे. और टाइमिंग 10:15 to 1:30 PM. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी बायोलॉजी. सो एज यू सी,
पेपर को चार भाग में यानी कि चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और हर पार्ट क्या है कंपलसरी यानी ऑल पार्ट इज कंपलसरी यानी कि आप कोई भी पार्ट को क्या नहीं कर सकते स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको प्रॉपर मार्क्स होना है यानी कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है तो आपको हर पार्ट में मैक्सिमम आप क्या करना पड़ेगा अपियर होना पड़ेगा। तो एज यू सी देर आर फोर पार्ट्स पार्ट ए पार्ट बी एंड पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट डी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस पार्ट ए फॉर वन मार्क्स पार्ट बी फॉर टू मार्क्स पार्ट सी फॉर थ्री मार्क्स एंड पार्ट डी फॉर फाइव मार्क्स। ये जो फाइव मार्क्स होंगे ये किस तरह से पूछे जाएंगे या तो डायरेक्ट पाँच मार्क्स का क्वेश्चन होगा या फिर इसको डिवाइड किया जाएगा थ्री मार्क्स क्वेश्चन में टू मार्क्स क्वेश्चन में या फिर टू मार्क्स और फिर वन मार्क्स क्वेश्चन में डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट ए में वन मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि कितने पूछे जाएंगे देर आर 15 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एंड यू हैव टू जस्ट आंसर ओनली 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस यानी कि 15 में से आपको 10 क्वेश्चन करना है यानी कि कितनी चॉइस मिल रही है यहाँ पे 5 क्वेश्चन की चॉइस मिल रही है। और नेक्स्ट है पार्ट बी जो कि 2 मार्क्स क्वेश्चन है जिसमें से आपको देखेंगे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं 10 और इसमें आपको करने हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन टू गेट 10 मार्क्स। नेक्स्ट है पार्ट सी जो कि 3 मार्क्स के लिए होगा और आपको क्वेश्चन करने हैं 5 लेकिन चॉइस कितनी मिल रही है देखें 5 यानी कि 10 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे जिसमें से आपको लेने कितने हैं 15 मार्क्स। इसी तरह पार्ट डी 5 मार्क्स का होगा जिसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है यानी कि इसमें 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं यू हैव टू आंसर एनी 4। और इसी तरह सेक्शन 2 में 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कितने करने हैं 3 क्वेश्चंस। तो इस तरह से जो है टोटल यहाँ पर हो जाते हैं 70 मार्क्स लेकिन क्वेश्चन पेपर कितने का है 140 और आपको मैक्सिमम कितने लेने हैं 70 तो यू हैव टू गेट 70 मार्क्स है ना आउट ऑफ 140। तो दिस इज दी ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा इसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ये ब्लूप्रिंट है जो कि पीयू बोर्ड ने इशू किया है। आप देख सकते हैं उनके साइट के ऊपर अगर आप विजिट करें उनके साइट के ऊपर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट जो है यानी कि 6th यूनिट जिसको बोलते हैं हम सेकंड ईयर की ये कितने इसकी है मार्क्स की है वेटेज कितना है इसका 34 यानी कि 34 मार्क्स का है फर्स्ट यूनिट जो जिसके अंदर आप देखेंगे एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। ओके नेक्स्ट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जिसके अंदर आप देखेंगे एक मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के 3 होंगे 3 मार्क्स के 2 होंगे और 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे और ये सबसे ज़्यादा जो है क्या है मार्क्स है किसके जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। तो रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर 4 चैप्टर हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में 3 चैप्टर हैं और नेक्स्ट जो यूनिट है वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर इसमें भी 3 चैप्टर हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज स्ट्रेटजीज एंड फूड एनहांसमेंट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो एज यू सी हियर इसके अंदर आप देखेंगे एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं टोटल कितने हो गए 29 मार्क्स। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट जिसमें 2 चैप्टर हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और दूसरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन जिसमें आप देखेंगे कि देर इज़ नो 3 मार्क्स क्वेश्चन एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है किसके 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट है इकोलॉजी तो इकोलॉजी के अंदर आप देख सकते हैं इकोलॉजी में क्या है 4 चैप्टर हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इश्यू ये 4 जो हैं क्या हैं चैप्टर्स हैं जिसमें आप देखेंगे एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं
दो मास का एक क्वेश्चन है, तीन मास के तीन क्वेश्चन है और पांच मास के तीन क्वेश्चन है। तो ये हो गया 28, ये हो गया 14, तो टोटल कितने हैं 140 मार्क्स एज यू सी। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आपको पैटर्न बताया था कि पांच मास के क्वेश्चन के पूछने का एक और तरीका ये होगा कि 3 मार्क्स + 2 मार्क्स हो सकते हैं, 2 मार्क्स + 2 मार्क्स + 1 मार्क्स, इस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, यानी कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा, कितने नंबर वाले क्वेश्चन इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे एनुअल एग्जामिनेशन में। तो एज यू सी हियर, यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, नो 5 मार्क्स क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 6 मार्क्स का चैप्टर है टोटल, और ये 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि कितने का होगा, 6 मार्क्स का। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है। तो एज यू सी इसके अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले हैं और 5 वाले हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हर पार्ट से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। उसका नेक्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आप देखेंगे 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है पूछा जाएगा, देर इज नो 1 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर आप देखेंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स का पूछ सकता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। उसका नेक्स्ट है चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप देखेंगे देर इज नो 2 मार्क्स क्वेश्चन, देर इज नो 3 मार्क्स क्वेश्चन, वी एक्सपेक्ट 1 एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट है नेक्स्ट यूनिट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं 14 मार्क्स फॉर जेनेटिक्स प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस, और मॉलिकुलर के लिए भी 14 है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर 1 मार्क्स के कितने हैं, 2 मार्क्स के कितने हैं, 2 3 मार्क्स का कितना है, 1 और 5 मार्क्स का कितना है, 1। ठीक है, हर पार्ट में से क्वेश्चन होगा, एवरी पार्ट में से क्वेश्चन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देर इज नो 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर 1 मार्क्स का पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का पूछा जाएगा और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है एवोल्यूशन चैप्टर, तो एज यू सी इन एवोल्यूशन चैप्टर देर इज नो 1 मार्क्स क्वेश्चन, देर इज नो 3 मार्क्स क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखेंगे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन थ्योरी में होगा। नेक्स्ट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें 3 चैप्टर है, देर आर 3 चैप्टर्स, जिसके अंदर आप देखेंगे पहला चैप्टर है ह्यूमन एंड हेल्थ एंड डिसीज, तो ह्यूमन एंड हेल्थ डिसीज के अंदर आप देखेंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स का 1। तो इसका मतलब है हर पार्ट में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड, तो इसके अंदर आप देखेंगे 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, देर इज नो 1 मार्क्स क्वेश्चन। यहाँ पर 2 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसका नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आप देखेंगे देर इज नो 2 मार्क्स क्वेश्चन, देर इज नो 3 मार्क्स क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होंगे। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन। तो इसके अंदर आप देखेंगे ये दोनों 8 बायोटेक, ऊपर वाला चैप्टर 8 मार्क्स का है, नीचे वाला 6 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे देर इज नो 3 मार्क्स क्वेश्चन, यहाँ पर 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है और 5 मार्क्स का है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 मार्क्स कौन सा, 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स क्वेश्चन नहीं है। उसका नेक्स्ट है लास्ट जो यूनिट है इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो चैप्टर है वो 8 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आप देखेंगे नो 1 मार्क्स क्वेश्चन, नो 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो 1 मार्क्स का नहीं है और 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। दूसरा चैप्टर है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में आप देखेंगे देर इज नो 1 मार्क्स क्वेश्चन, देर इज नो 2 मार्क्स क्वेश्चन। यहाँ पर भी आप देखेंगे 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा।
उसका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आप देखेंगे कि देर इज़ नो 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड देर इज नो 5 मार्क्स क्वेश्चन. तो 3 मार्क्स भी और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं होगा. और लास्ट जो चैप्टर है वो है एनवायरमेंटल इशू. तो इसके अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होगा, 2 मार्क्स वाला भी नहीं होगा. तो 1 मार्क्स वाला नहीं होगा और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं होगा. तो जस्ट इट इज़ ए टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच इज़ फ्रेम्ड इन योर एनुअल एग्जामिनेशन. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसका सोल्यूशन जैसे कि शेड्यूल के हिसाब से हम कल करने वाले हैं. तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो बोर्ड ने प्रोवाइड किया है. इट इज़ इश्यूड बाय पीयू बोर्ड. हाँ, तो जैसा कि अभी आपने देखा कि क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा, हाँ, तो ये जो आप देख रहे हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल. तो ये क्वेश्चन पेपर को का जो लेवल होता है वो 4 लेवल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं. देर आर 4 लेवल ऑफ क्वेश्चन इज फ्रेम्ड इन योर क्वेश्चन पेपर. नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, अप्लीकेशन या अप्रिसिएशन या स्किल, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं. तो जब ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो किस तरह के वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है ये क्वेश्चन बनाने के लिए और हम कैसे इसको समझें. तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो कितने हैं, 40 मार्क्स. अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं, 30 मार्क्स. और रिमेनिंग 30 को 15% में क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है. तो हम इसी को देखेंगे कि किस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है टू फ्रेम द क्वेश्चन. सो एज यू सी हियर लेवल ऑफ क्वेश्चंस. तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 40% होता है एग्जाम के अंदर. और इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, एज यू सी हियर, डिफाइन, व्हाट, नेम, मेंशन, यू, विच, एक्सपैंड, लिस्ट, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिसमें नॉलेज को परखा जा रहा है. नॉलेज यानी कितना आपने नॉलेज लिया है, इससे समझा है ना, नॉलेज लिया है इससे. तो इसके अंदर आप देखेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स क्वेश्चन होगा और 5 मार्क्स क्वेश्चन भी होगा. नेक्स्ट है अप्लीकेशन, यानी कि जो चैप्टर या हम जो पढ़ रहे हैं हमारे लाइफ में इसका अप्लीकेशन कहाँ होगा. जैसे हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, तो इसका अप्लीकेशन कहाँ पे है. एग्जांपल के लिए मैं बोल सकता हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, जीन थेरेपी के अंदर. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं यानी कि जिसका हम क्या करते हैं, अप्लीकेशन अप्लाई करते हैं हमारे लाइफ में, ये कहाँ पर क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं. तो इट इज़ ओनली अबाउट 15%, ये 15% के लिए होंगे. और इसमें जो पूछने का मेथड होगा वो होगा वाई, हाउ, जस्टिफाई. यानी कि वाई, हाउ, जस्टिफाई, इस तरह के अगर क्वेश्चन होते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन से क्वेश्चन है, अप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है. तो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, देर इज़ नो 1 एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन. नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, कितना आपने समझा. तो समझने का क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं है. जैसे दो चीज़ों में आपको फ़र्क मालूम करना है ना, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इसको हम कैसे फ्रेम करते हैं, डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन या राइट. तो ये बेसिकली आप देखेंगे ये क्वेश्चंस जो हैं चारों पार्ट में आपको पूछे जाएंगे. नेक्स्ट है स्किल्स, तो स्किल्स जो है कितने हैं, 15%. स्किल्स में आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रा दी डायग्राम, ए वेरी ब्यूटीफुल नीट लेवल डायग्राम इज एक्सपेक्टेड. तो डायग्राम ड्रा करना है या कोई साइकिल है, जैसे आप देखेंगे फास्फोरस साइकिल है इसको ड्रा करना है, या फिर आप देखेंगे HIV साइकिल है इसको आपको क्या करना है, ड्रा करना है. तो इस इलस्ट्रेट, इसके लिए जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, इलस्ट्रेशन आएगा. या फिर ड्रा भी आ सकता है या स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आ सकता है. तो ये जो है 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. ठीक है, तो जस्ट एज यू सी, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इसका. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पीयू बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक जो है लॉन्च किया है ऑल 16 चैप्टर का, फर्स्ट ईयर में भी किया है और सेकंड ईयर में भी किया है. तो जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर डिफाइन के लिए क्या है, नॉलेज है ना, व्हाट के लिए क्या है, नॉलेज है ना,
और इसी तरह नेम के लिए भी क्या है, नॉलेज, है ना। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन, वाई। तो ये जो वाई देख रहे हैं ये किसके लिए है, अप्लीकेशन, ए फॉर अप्लीकेशन, ओके, के फॉर नॉलेज। तो एज यू सी हियर आल्सो, यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज है वो ये है, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस, नहीं, डिफरेंशिएट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो डिफरेंशिएट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो यहां पर जो आप चीज नोट करना है वो है डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया या लेटर यूज किया, अंडरस्टैंडिंग, कितना समझा, है ना। तो ये डिफरेंशिएट देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी क्वेश्चन है डिफरेंशिएट, यहाँ पे भी क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन। तो स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन का जानना, इसका समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम जब हम लिखते हैं, हमारे जो आंसर पेपर होते हैं वही हमारा एग्ज़ाम इवैल्यूएटर के लिए इंट्रोडक्शन होता है। यानी कि एग्जाम का जो पेपर आंसर शीट हम जो लिखते हैं, इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्टूडेंट और ए कैंडिडेट। क्योंकि आपका जो इवैल्यूएटर होते हैं वो आपका फेस नहीं देख पाते, वो आपकी मेहनत नहीं देख पाते, वो आपकी कुर्बानी नहीं देख पाते। अगर किसी वजह से एग्जामिनेशन हॉल में कुछ हो जाता है वो उनको नज़र नहीं आता, नज़र आता है वो है आपका पेपर। जितना आपका पेपर नीट होगा, क्लियर होगा, उतना ही बेहतर होगा आपके मार्क्स को अचीव करने में। एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये देना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल समझिए, दो पेपर हैं, दो स्टूडेंट के पेपर हैं, एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है बी। एक स्टूडेंट को मिलते हैं आउट ऑफ मार्क्स, यानी कि समझिए 10 में से 10, और एक स्टूडेंट है जिसको 10 में से मिलते हैं 3। तो यहां पर यह आपको समझना है कि जो स्टूडेंट ए है, इन्होंने जो इवैल्यूएटर है उनको क्या कर दिया है, अपने पेपर से इंप्रेस कर दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कुछ किया है जो बी ने नहीं किया है, है ना। तो इस वजह से आपका पेपर ही आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर और इवैल्यूएटर। तो इवैल्यूएटर के सामने आपका पेपर क्या है, आपका इंट्रोडक्शन है। तो जहां तक हो सके पेपर को नीट लिखने की कोशिश कीजिए, क्लियर लिखने की कोशिश कीजिए, मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको लिखना है सीरियल से लिखिए, अगर आपको उस वक्त उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसका क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसके आगे थोड़ी जगह छोड़ दीजिए और फिर जब आप उसको याद आए तो तब लिखिए। इस तरह से मत कीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखे, फिर फिफ्थ लिखे, फिर सेकंड लिखे। इस तरह से करने का मतलब होता है कि आप कन्फ्यूज़न में हैं, और ये कन्फ्यूज़न किसको मालूम हो जाता है, इवैल्यूएटर को मालूम हो जाता है, और जिससे इवैल्यूएटर के को आपका इंट्रोडक्शन रॉन्ग मिलेगा, जिससे हो सकता है कि आपके मार्क्स जो है कम हो जाए। तो नीट लिखने के कुछ छोटे छोटे चीज़ें होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से एक छोटी चीज़ है आपका पेन, है ना, पेन। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम के दिन नया पेन लेके जाते हैं, नए पेन, है ना, ये वो समझते हैं कि नए पेन से अच्छा लिखते हैं। लेकिन आपको ये करना है कि नया पेन जनरली इस्तेमाल एग्जाम के दिन मत कीजिए। नया पेन यानी कि न्यू जो पेन होता है वो एग्ज़ाम के दिन इस्तेमाल मत कीजिए, बल्कि एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले ही पेन खरीद लीजिए, एक से ज़्यादा पेन रखिए अपने साथ और उनको सबको लिखिए ताकि वो पेन को क्या मिले, रिदम मिल जाए। ऐसा ना हो कि ऐन एग्ज़ाम के दिन आप नया पेन ले जाएं और वो फिर सही ना चले, जिससे आपको लिखने में देर लगे और आप पूरा पेपर सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस करें, ठीक है। और एग्ज़ाम के ऐसे पहले आपको एग्ज़ाम की तैयारी इन मानों में करना है कि आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आपने पेपर पर ज़्यादा टाइम खर्च कर दिया, यानी कि एक मास के क्वेश्चन को लिखने के लिए अगर आपने ज़्यादा टाइम सर्व कर दिया, लगा दिया, तो फिर दूसरे क्वेश्चन को लिखने के लिए क्या होगा, आपको टाइम जो है कम पड़ जाएगा। तो हो सकता है कि आप पूरा पेपर सॉल्व ना कर पाए। तो कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम से पहले ही कई सारे पेपर आप क्या कर लें, सॉल्व कर लें, जिससे आपको मालूम हो जाए कि आपको कितना टाइम लगता है एक पेपर को सॉल्व करने में। जिससे होगा ये कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप जो है सही टाइम पर सही क्वेश्चन को लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो लेट्स सी द स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन। स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि कितने क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है
हाउ मच यू हैव टू राइट, यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कितना लिखना है। यानी कि हम ये समझते हैं कि हमने पूरा लिख दिया, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, कभी कभी मार्क्स कम आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने कहीं पर क्या कर दिया है, कुछ मिस्टेक कर दिया है। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल समझिए एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है, और एग्जामिनर आपसे चाहता है 6 पॉइंट, और आपने लिख दिए हैं 5 पॉइंट, और आप ये समझ रहे हैं हर एक पॉइंट के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। हो सकता है मिले भी, लेकिन अगर पेपर को इस तरह से फ्रेम किया गया है कि जो इवेल्युएटर हैं वो चाहते हैं 6 पॉइंट, और अगर आपने लिख दिए हैं 5 पॉइंट, तो होगा ये कि आपको 1 मार्क्स क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू नो द मेथड ऑफ इवेल्युएशन, है ना। इवेल्युएशन का आपको मेथड भी मालूम होना चाहिए कि आपके कुछ गलतियों की वजह से आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। आप देखेंगे कई सारे ऐसे मॉडल पेपर होते हैं जो कैंडिडेट के लिखे हुए, जो इनको आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं, है ना, बोर्ड की तरफ से उनको इश्यू भी किया जाता है। ये वो जो है लक्की स्टूडेंट हैं जिनको आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं। तो उनका जो पेपर लिखने का जो मेथड होता है, वो तरीका होता है, वो कैसा होता है, तो वो कैसे आता है, तो वो आता है इसी तरह की प्रैक्टिस से और इस तरह के नॉलेज से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड का, पीयू बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया गया है। तो एज यू सी हियर, तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आपको शॉर्ट में लिखना है, है ना, आपको एक सेंटेंस में उसका पूरा आंसर क्या करना है, कंप्लीट करना है, या वो जो पूछ रहा है उसको लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं एक्सपैंड, है ना। तो एक्सपैंड का मतलब इसका डेफिनेशन लिखना नहीं है आपको, इसका मतलब है आपको इसको क्या करना, एक्सपैंड करना है, है ना। जैसे VNTR है यहाँ पर, है ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, तो एलोबरेट करना है, एक्सपैंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस तरह से ही लिखना है। तो जैसे यहाँ पर लिखे वाला है डेफिनेशन, तो जैसे लिखा वाला डिफाइन, है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफाइन करना है एक सेंटेंस में। अगर आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ज़्यादा लिख देते हैं, तब भी आपको 1 मार्क्स से ज़्यादा इवेल्युएटर दे नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब है आपने अपना वक्त जो है गलत क्वेश्चन के ऊपर सर्व कर दिया। तो इसीलिए जो है इसका एक प्रॉपर मेथड होता है, उस तरह से आप क्या करें, उसको लिखें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट आर अनालॉगस ऑर्गन्स, है ना, व्हाट आर अनालॉगस ऑर्गन्स। तो एज यू सी, ये क्वेश्चन जो है इवोल्यूशन चैप्टर से आया है। तो अनालॉगस ऑर्गन और होमोलॉगस ऑर्गन आपने सुना होगा, है ना। तो एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, तो उसका डेफिनेशन के 1 मार्क्स हैं, है ना, जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं लेकिन फंक्शनली क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर, गिव 2 एग्जाम्पल्स, यानी कि 1 एग्जाम्पल के लिए 0.5 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने एग्जाम्पल 4 लिख दिए हैं लेकिन डेफिनेशन नहीं लिखा है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एनी 2, 0.5 फॉर ईच, ठीक है, यानी कि 1 सही एग्जाम्पल के लिए 0.5 मार्क्स मिलेंगे। फिर यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं आप, व्हाट इज़ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, हाउ इट इज़ कंट्रोल्ड। तो एक डेफिनेशन लिखने के लिए है, और ये बाकी के जो है, ये जो 4 है उनमें से 1 लिखने के लिए है, ओके। तो यहाँ पर आप देखते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोपायरेसी, तो इतों में से 1 लिखना है, एनी 1 पॉइंट, है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नोट करना है, यहाँ पर जो डायग्राम्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक डायग्राम है ना, मिल्लर अपार्टस बोलते हैं हम इसको। तो इसके अंदर ये 3 मार्क्स के लिए है, तो यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, देखिए, एनी 6 लेबल, यानी कि लेबल तो बहुत हैं यहाँ पर, जैसा देख सकते हैं आप, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, तो 10 क्या है, लेबल्स हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो है 3 मार्क्स के लिए है ये, तो इसलिए कि क्या पूछ रहा है, 6 लेबल, यानी डायग्राम के साथ 6 लेबल अगर आप कर देंगे तो इट इज़ सफिशिएंट टू गेट दी 3 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में जीनस भी लिख देते हैं, तो आपको फुल मार्क्स क्या होंगे, मिलेंगे।
यहाँ पर आप देख सकती हैं और एक पैटर्न देखिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन. तो मेंशनिंग फाइव नेम्स को 2.5 मार्क्स मिल रहे, यानी कि एक के आस्ते कितना मिल रहे हैं, 0.5 मार्क्स. मेंशनिंग द एप्लीकेशन, इसके लिए 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं. तो यानी कि ये जो है, अगर आप एक को 3 लिख देते हैं, एक को 2 लिखते हैं, तो अब जब भी आपको मार्क्स बराबर मिलने वाले नहीं है. तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको मिस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ PBR322, यानी कि प्लाज्मिड. तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के कितने मार्क्स हैं, 3. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. एक्सप्लेनेशन के लिए कितने हैं, 3 मार्क्स हैं. और डायग्राम के लिए कितने हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो डायग्राम है उसके लिए कितने मार्क्स हैं, 2 मार्क्स. तो 2 मार्क्स फॉर डायग्राम एंड 3 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन. तो ये आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप यहाँ पे, हाँ, दिस इज दी 5 मार्क्स क्वेश्चन, है ना. हियर यू कैन सी ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स नीट डायग्राम के हैं, जबकि 8 लेबल के लिए हैं, यानी कि 8 करेक्ट लेबलिंग. जबकि आप अगर यहाँ पर काउंट करेंगे तो मोर देन 10 जो है लेबल हो जाएंगे. तो आपको सही सिर्फ 8 लेबल करना है ताकि आपको फुल यानी कि कंप्लीट मार्क्स मिले. एज यू सी हियर माय स्टूडेंट शहबाज, नाउ ही इज डूइंग MD. ही इज कंप्लीटेड हिज MBBS. ही गॉट 100 out of 100 मार्क्स इन बायोलॉजी. ओवरऑल परसेंटेज इज 96. ही कंप्लीटेड हिज MBBS इन अवर बीदर मेडिकल कॉलेज फ्रॉम एंड ही गॉट 100 out of 100 मार्क्स. तो आप भी जो है 100 में से 100 मार्क्स ले सकते. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट जो मार्क्स लेने वाले हैं आउट ऑफ, वो आप होंगे, है ना. तो एज यू सी आप देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट का रैंक है कर्नाटक के अंदर PUC का, ये 31st रैंक है. बीदर हैज़ 31st रैंक इन PUC रिजल्ट. आसिफ सर या और विजडम इंस्टीट्यूशन, विजडम कॉलेज का ये विज़न है और हम ये चाहते हैं, और बायोलॉजी फोरम ये चाहते हैं कि हम जो है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का रैंक है उसको हम जो है फर्स्ट पोजीशन पे लेके आए. और इंशाल्लाह आई विल होप सो दिस साल हम जो है ये कर पाए. अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. वो ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से या इररेगुलरिटी की वजह से, यानी कि किसी वजह से जो है उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं या किसी वजह से वो कॉलेज को नहीं आ पाए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट नाउम्मीद ना हो. आपके लिए हमारे पास एक खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि बायोलॉजी के अंदर, जैसा कि आपको मालूम ही है कि आपको 70 में से थ्योरी पेपर में कितने लेने हैं, 21 मार्क्स लेने हैं, है ना. 70 में से कितने लेने हैं आपको, 70 में से कितने लेने हैं आपको, 21 मार्क्स लेने हैं. तो इसको हमने पासिंग पैकेज के फॉर्मेट में बना दिया है ना, पासिंग पैकेज के बारे में, है ना. तो पासिंग पैकेज ये होगा कि हम जो है 21 को हम इंटू करेंगे 2 से, यानी कि हम 42 मार्क्स का सिलेबस पढ़ेंगे, 42 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मोर देन 30 मार्क्स प्लस मार्क्स मिल जाएं, है ना. लेकिन अगर आप 21 मार्क्स का पढ़ते हैं तो इसके आधे मार्क्स आपको मिलेंगे, है ना, यानी कि 11 या 10 इतने मार्क्स मिलेंगे. तो इसलिए जितना आपको चाहिए उससे आपको ज़्यादा ही थोड़ा सा पढ़ना है. अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको पास होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, है ना. तो इसके क्वेश्चन हमने फ्रेम कर दिए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बना दिए हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंपलसरी आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, यानी कि 4 में से 2 तो आने ही आने हैं, यानी है ना. कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं अगर पूछना है तो उन्हीं में से पूछना पड़ेगा, ठीक है. तो उसी को सामने रखते हुए, पिछले पेपर को सामने रखते हुए, विथ आवर एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस और हमारे पूरे फोरम की तरफ से हमने जब क्वेश्चंस को बनाए हैं तो हमने देखे हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंपलसरी एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं. और विजडम इंस्टीट्यूशन और विजडम PU कॉलेज के पास कुछ ऐसे स्टूडेंट जो किसी वजह से, हादसे की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, नहीं कॉलेज को नहीं आ पाए हैं, उनके लिए ICU सेक्शन भी है, ताकि ऐसे हालात में हम उनको प्रॉपरली गाइड करें और उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाएँ. हमें उनको उम्मीद दिलाना है. मैं जो देख रहे हैं कुछ टीचर्स के
कुछ असातिज़ा से ये गुजारिश करता हूँ कि बच्चों को नाउम्मीद ना करें, उनको उम्मीद दिलाएं, है ना। उम्मीद से ही दुनिया कायम है। तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, और फेल होना तो नामुमकिन है। वही स्टूडेंट मैं समझता हूँ फेल होंगे जो एग्ज़ाम में अपीयर ना होंगे, वो स्टूडेंट फेल हो सकते हैं जो अपीयर नहीं होंगे। जो अपीयर होंगे मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ, अगर हमारे पैटर्न से ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम में कामयाब हो जाएंगे। तो हमें शिकायतें नहीं करनी है, है ना, शिकायत नहीं करना है, यानी कि ये हो गया वो हो गया। अब जो भी है 11th आवर्स में हमको जो करना है, यानी कि लास्ट आवर में जो करना है हम कर सकते हैं, है ना। तो आप देखेंगे किसी शायर ने हुआ बड़ा खूब कहा है, पस्त हिम्मत जो होते हैं, है ना, पस्त हिम्मत, जो हिम्मत हार जाते हैं, जिनको उम्मीद नहीं रहती, पस्त हिम्मत करते हैं शिकवा अपने नसीबों का। यानी कि जो हिम्मत हार जाते हैं उन्हें क्या करते हैं, खाली नसीबों का, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। लेकिन जो हिम्मत वाले होते हैं ना, है ना, जो हिम्मत वाले होते हैं, तो शायर ने कहा है, उगने वाले उग जाते हैं चीर के पत्थर सीनों का, चीर के सीना पत्थरों का, है ना। यानी कि आप देखेंगे हिम्मत, हिम्मत आपको दिखानी है, उम्मीद रखना है आपको, राइट प्रोस्पेक्टिव में पॉजिटिव थिंकिंग करना है आपको, सही तरीके से सोचना है ना। पस्त हिम्मत करते हैं शिकवा अपने नसीबों का, उगने वाले उग जाते हैं चीर के सीना पत्थरों का। तो हम इसी उम्मीद के साथ लेट्स मूव टू दैट स्लाइड। तो यहाँ पर हमने वन मार्क्स क्वेश्चन और टू मार्क्स क्वेश्चन को स्किप कर दिया है, क्योंकि वन मार्क्स क्वेश्चन में बहुत वेरिएशंस होते हैं और जो है अलग अलग टॉपिक से अलग अलग जो है पूछा जाता है, तो इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया है। टू मार्क्स को भी इसी के सामने रखते हुए स्किप कर दिया, लेकिन थ्री और फाइव मार्क्स में बहुत कम फ्लक्चुएशन होता है, वही पर्टिकुलर पैटर्न से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने उसी को फ्रेम किया है। तो एज यू सी हियर सम क्वेश्चंस आर देयर, एंड इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी ये आपको अवेलेबल होगा। हमने इसकी पीडीएफ भी लगा दी है, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो जस्ट यू हैव टू कॉन्टैक्ट, वी विल प्रोवाइड यू। तो जैसे आप देख सकते द पासिंग पैकेज फॉर हाउ मेनी मार्क्स टू गेट 21 मार्क्स। लेकिन तरीका इसका ये होगा कि हम यहाँ पर इसको क्या करने वाले हैं, 42 मार्क्स का पढ़ने वाले हैं, है ना। यानी कि हो सकता है 42 प्लस थोड़े बहुत हो, तो इतने हम पढ़ने वाले हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्या होंगे, मोर देन 21 प्लस मार्क्स आपको मिले। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर को हमने नहीं लिया है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में से कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू आवर ब्लूप्रिंट। एज यू सी डिस्क्राइब ट्रीज ऑफ एंथर विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। जब कभी भी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करो, तो इसका मतलब होता है डायग्राम के साथ आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है अबाउट दैट पर्टिकुलर डायग्राम। तो एज यू सी हियर इट इज़ ए एंथर, और ये एंथर का जो डायग्राम है इसका ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं ना। ट्रीज ऑफ एंथर शोज 4 लेयर्स, आउटर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिड लेयर एंड टैपेटम, है ना। आउटर 3 लेयर्स आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, टैपेटम इज द इनरमोस्ट लेयर विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ओके, बहुत सिंपल है। अगर आप देखेंगे मैंने आसान लव वर्ड का इस्तेमाल किया है ताकि आप आसानी से इसको पढ़ लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स देखेंगे आप डायग्राम के होंगे और 2 मार्क्स किसके होंगे, एक्सप्लेनेशन का। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, ड्रा दी लेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम किसको बोलेंगे हम, यानी कि एंथर का ये जो पार्ट है, ये जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। तो ये होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पूछा जा रहा है, इसीलिए हम इतना ही डायग्राम ड्रा किए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना है, किसी ने खूब कहा है कि क्वेश्चन का समझना ही आधा आंसर है। यानी कि अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझ जाते हैं तो इसका मतलब होता है आधा आंसर आपने पहले ही लिख दिया, यानी आपने पहला आधा आंसर आपने पहले ही सॉल्व कर दिया।
तो इसी के ज़िमन में मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आता है ओरिजिनल, कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू लिया जा रहा था। बड़े बड़े पढ़े लिखे जो है स्टूडेंट कैंडिडेट अपियर हुए, जिसमें इंटरव्यू लेने वालों ने, जो इंटरव्यूअर थे, उन्होंने जब इंटरव्यू लिया तो प्रोफेशनल क्वेश्चन करने के बाद जब मीटिंग का एंड होता है, इंटरव्यू ख़त्म होता है, तो उन्होंने सबसे स्टूडेंट से कहा यू कम आफ्टर टी। सारे स्टूडेंट ने कहा यस सर, खुश हो गए, वो समझे कि वो उन्हीं को जॉब मिल रहा है, यस सर आई विल कम आफ्टर टी बोल के चले गए। उनमें से एक स्टूडेंट ने जो है कहा यस सर यू कम आफ्टर टी, और उन वो पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि वो क्या बोल रहे थे, उन्हें चेक कर रहे थे वो इंटरव्यू लेने वाले कि ये क्वेश्चन को समझे हैं क्या नहीं। यू कम आफ्टर टी का मतलब होगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में यू कब आता है, टी के बाद आता है, तो वो यही चेक कर रहे थे कि कैंडिडेट क्या इसको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। तो उनमें से एक स्टूडेंट समझ गए और उसका आंसर दे दिया और वो उसका सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ जाएं, जिससे आप प्रॉपर आंसर दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन को गलत समझा तो क्या होगा, आंसर भी गलत देगा, है ना। इसी ज़िमन में मैं एक और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे पेरेंट सुन रहे हैं, तो वो स्टूडेंट जिनको पेरेंट की प्रॉपर गाइडेंस मिलती है जिस एग्ज़ाम पीरियड के अंदर, वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं उन स्टूडेंट के जिनको पेरेंट की गाइडेंस नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो मैं पेरेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी जो है अपने बच्चों को टाइम दें, टाइम निकालें और उनको ये पढ़ने में हेल्प करें। मुझे इसी ज़िमन में एक वाक़या याद आता है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जब वो अपनी तालीम हासिल कर रहे थे, अपनी स्कूल की तालीम, तो एक वाक़या आता है कि उनके जो प्रिंसिपल थे, वो जो बच्चे थे उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और कहा जाओ इसे अपनी अम्मी को दे आओ, यानी अपनी मदर को दे आओ। तो वो गए और अपने वो चिट्ठी अपनी मदर को दे दिया। वो मदर ने उस चिट्ठी को खोला और पढ़ा, और वो बच्चा जो था, वो बच्चा पूछता है अपनी माँ से कि अम्मी इसमें क्या है। तो वो मदर बोलती हैं कि इसमें लिखा है कि आपके प्रिंसिपल जो है इसमें लिखे हैं कि आपका बच्चा बहुत होशियार है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, हमारे पास ऐसे टीचर्स नहीं हैं, आप किसी दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूशन में क्या करो, इनका एडमिशन करो। बहुत दिनों के बाद जब वो काबिल बन जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, और बहुत लंबे समय के बाद उनकी जो मदर है उनकी डेथ हो जाती है, तो पूरे लास्ट रसूमात करने के बाद जब वो वापस जाते हैं, और जाने के बाद वो जो उनका बॉक्स होता है, जो उनकी कबर्ड होती है, जब वो उसमें से सामान को बाहर निकालते हैं, उसमें से उनकी नज़र उस चिट्ठी पे पड़ जाती है, और वो जब चिट्ठी बाहर निकालते हैं और उसमें से पढ़ते हैं, तो उनकी आंखों से जो है क्या होता है, आंसू जारी हो जाते हैं कि उसमें क्या लिखा था, वो प्रिंसिपल साहब क्या लिखे थे। वो प्रिंसिपल साहब लिखे थे कि आपका बच्चा बहुत शरारती है, नालायक है, हम आपके बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ा सकते, आप ले आओ ये बच्चे को लेके चले जाओ। लेकिन आप देख सकते हैं कि उनकी मदर का जो रोल था, उनकी मदर ने उसको किस तरह से पढ़ा, और वो हैं ग्राहम बेल, फ़ोन के निर्माता। तो मदर का और या पेरेंट का जो है अपने बच्चे की ज़िंदगी के संवारने में क्या होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम दी सेकंड चैप्टर एज यू सी हियर, डिस्क्राइब दी स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है एनाट्रोपस लेबल डायग्राम है, बहुत आसान है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। इस तरह से बहुत आसानी से आप ये क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, उस जो आपने ड्रा किया है उसी के बारे में आपको लिखना है, है ना। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, तो एग्जाम में जो है एनाट्रोपस नहीं भी आ सकता, सिर्फ ओव्यूल बल्कि आ सकता है, या मेगा स्पोरेंजियम बोल के आ सकता है, मेगा स्पोरेंजियम। तो अगर मेगा स्पोरेंजियम बोल के क्वेश्चन आता है, तब भी आपको यही आंसर और इसी तरह का डायग्राम ड्रा करना है, है ना। तो बहुत मैंने सिंपल वे में जो है इसको एक्सप्लेन किया है, अगर याद करने में बहुत आसानी भी होगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी फाइव आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, है ना। आउट ब्रीडिंग है ना, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए प्लांट में क्या 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 होते हैं डिवाइसेस, यानी स्ट्रक्चर रहते हैं जो क्या करते हैं इस प्रोसेस को इस रोकते हैं, क्योंकि नेचर क्या करती है क्रॉस पॉलिनेशन को डिसकरेज इनकरेज करती है, सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करती है डिसकरेज करती है, है ना। तो क्या क्या है वो, डिचोगैमी, हर्कोगैमी, हेटरोस्टाइली, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और डिक्लिनिंग। तो दीज आर दी फाइव
तो क्वेश्चन में पांच पूछ रहा है इसलिए पांच लिखे गए है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ पॉलिनेशन अकर इन वैलिसन एरिया है ना। वैलिसन एरिया में पॉलिनेशन कैसा होता है, हाइड्रिक होता है ना। यानी कि आप देखेंगे एनोमोफिलस जो विंड से होता है ना, हाइड्रोफिलस जो है किससे होता है, वाटर से होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट है ड्रा दी लेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। या मैच्योर एम्ब्रियो सैक भी क्वेश्चन आ सकता है या एग्जाम में आ सकता है, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बोल के भी आ सकता है। मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बोल के अगर क्वेश्चन आता है तब भी आपको यही लिखना है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एज यू सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो एग्जाम में कंपलसरी आपके आएंगे है ना। यहाँ देख सकते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ मेमोरी ग्लैंड। तो यहाँ पर एक चीज़ जो आपको याद रखना है, मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि डिस्क्राइब बोल के आता है ना। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिस्क्राइब। तो अगर डिस्क्राइब बोलकर क्वेश्चन आता है तब आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन भी होगा तो इसके लिए कम से कम आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है, अगर आपको डिस्क्राइब करने नहीं भी आता है तब भी आपको ड्रा तो करना होगा, क्योंकि अगर आप ड्रा भी करेंगे तो आपको कम से कम 2 और 3 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा दी लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। एज यू सी इसके अंदर, इसके बजाय आप ऐसा भी डायग्राम ड्रा कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप जो है सिंपल डायग्राम भी, सिंपल सिंप्लीफाई वे में भी आप ये डायग्राम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज यू सी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में से कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे व्हाट इज इनफर्टिलिटी है ना, एक्सप्लेन 2 बैरियर मेथड्स एंड 2 सर्जिकल मेथड्स है ना। सर्जिकल यानी कि परमानेंट जो है प्रोसेस जो रहता है वैसे है ना, या फिर डिफाइन इनफर्टिलिटी राइट टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज टू ओवरकम इनफर्टिलिटी है ना। तो ये क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में आपके पूछ सकते हैं, तो यू हैव टू प्रॉपरली राइट दी क्वेश्चन। नेक्स्ट है चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। 3 क्वेश्चन है 1 जीन इनहेरिटेंस, 2 जीन इनहेरिटेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये 3 में से 1 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएगा। यानी कि 1 जीन इनहेरिटेंस, 2 जीन इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये 3 में से कोई 1 क्वेश्चन कंपलसरी आपके एग्जाम में आएगा। तो एज यू सी हियर स्कीमेटिक रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। तो 1 जीन के लिए क्या बोला जाता है, मोनो हाइब्रिड बोला जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो अगर एग्जाम में मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोल के आया तो अभी आपको यही लिखना है। तो एज यू सी हियर 2 जीन इनहेरिटेंस डाई हाइब्रिड क्रॉस। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, खाली इसका रेशियो पूछता है 1 मास के वास्ते है ना। यानी कभी कभी क्या हो जाता है, 1 मास के लिए क्वेश्चन पूछता है राइट द रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो लिखिए बोल के आता है। तो आपको याद रखना 9:3:1 दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो मेंडल का जो F1 जनरेशन था उसमें सब क्या आए थे, टाल आए थे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है पिंक फ्लावर आते हैं ना, डिविएशन फ्रॉम मेंडल। जबकि यहां पर क्या होता है F2 जनरेशन में क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशियो भी सेम आता है और जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम ही आता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से ही, एक्सप्लेन द सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। तो एक्सप्लेन सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन में आप देखेंगे ह्यूमन मेल के पास क्या रहता है, गैमेट में X और Y क्रोमोसोम रहता है,
जबकि फीमेल के पास दोनों में क्या रहता है, एक्स क्रोमोसोम रहता है। तो कौन डिसाइड करता है जेंडर? मेल। ठीक है, मेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। तो नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में है राइट एनी फाइव साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल एंड इट इज कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट इन नेचर। तो मैंने इसे सिंपल कर दिया है सेंटेंस में ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी हो। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे साइलेंट फीचर्स हैं, लेकिन मैंने इसे कम कर दिया है। ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन बेसेस। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस। द क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन्स 2968 एंड वाई क्रोमोसोम हैज लीस्ट जीन्स 231। लेस देन 2% जीन किसके लिए कोड कर रहे हैं? प्रोटीन के लिए कर रहे हैं। द फंक्शन ऑफ 50% डिस्कवर्ड जीन्स क्या है? अननोन। उसका नेक्स्ट है मेंशन द स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डायग्राम्स हैं जो कि कंपलसरी एग्जाम में आएंगे। तो पहला जो है वो है ड्रा दी लेबल डायग्राम ऑफ मिलर अपार्टस एक्सपेरिमेंट। एवोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है ये। 3 मास के लिए भी आ सकता है और ये 5 मास के लिए भी एग्जाम में आ सकता है। यानी कि ये 3 मास के लिए भी आ सकता है और 5 मास के लिए भी आ सकता है। हाँ, ये 2 मास के लिए भी आ सकता है या 3 मास के लिए भी आ सकता है। और ये है ड्रा द स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन टू एनिमल सेल। तो ये है स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो 5 मास के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज ऑफ फूड एनहांसमेंट। तो ऐसे तो स्ट्रेटजीज फूड एनहांसमेंट में मल्टीपल क्वेश्चन हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकता है, दैट इज एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, है ना। तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आप देखेंगे कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इवेल्युएशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन, टेस्टिंग। और नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से ड्रा दी लेबल डायग्राम ऑफ बायोगैस प्लांट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से। इसमें 2 डायग्राम आपको मिलेंगे, ड्रा दी लेबल डायग्राम ऑफ स्टायर टैंक बायो रिएक्टर और दूसरा है प्लास्मिड PBR322। और ये आप देख सकते हैं ये है फ्रॉम इकोसिस्टम से। तो ग्यू स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फास्फोरस साइकिल। तो ये है आपका पासिंग पैकेज और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कंपलसरी इसमें से मोर देन 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। और अगर आप ये पूरे पढ़ेंगे तभी आप पासिंग की गारंटी लेंगे, हो सकते हैं पास होने की गारंटी हो सकती है। अगर आप इसमें से भी फिर शॉर्ट करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये ही सबसे शॉर्ट है, है ना, इट इज शॉर्टेस्ट। इससे भी कम करने की कोशिश ना कीजिए। लास्ट में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ विजडम इंस्टीट्यूशन में हमारे जॉइंट सेक्रेटरी सर आसिफुद्दीन सर, जॉइंट सेक्रेटरी सलाउद्दीन फरहान सर और हमारे प्रिंसिपल शेख मदार सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव ए वेबिनार ऑन दी बायोलॉजी। थैंक यू वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू वन एंड ऑल। अपना कॉन्टैक्ट दे दिया है, अगर आपको कोई क्वायरीज है, कोई क्वेश्चन है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप पे। डेफिनेटली वी आर अवेलेबल 24/7। जब तक एग्ज़ाम पेपर नहीं आता, यानी कि एग्ज़ाम के पेपर से पहले हम आपके लिए रेडी हैं, यानी कि आपकी क्वायरीज को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।